हेलो। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैलेंजेस इन मोबाइल कंप्यूटिंग। अब मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगभग 7 चैलेंजेस को यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। एक एक करके हम इन सब चैलेंजेस के बारे में ब्रीफ में आइडिया लेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको, इजीली उसका आप आंसर दे सको। अब इतना याद रखना कि देखो, जो मोबाइल कंप्यूटिंग के चैलेंजेस हैं वो सब किसके कारण है? बिकॉज देर इज मोबाइल एनवायरनमेंट। मतलब कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वायर्ड नेटवर्क के अंदर होता है उस तरीके से नहीं है। तो मोबाइल एनवायरनमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने मोबाइल, जो आपका सेलफोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, आप उससे अगर चैलेंजेस को रिलेट कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली लिख सकते हो। जैसे कि आप के मोबाइल पर आपने नोटिस किया होगा फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन होता है, नेटवर्क का फेलियर होता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है दैट देर आर फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन और यू कैन से नेटवर्क फेलियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क फेलियर होता है और ये किसके कारण होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग डिज़ाइन के कारण, क्योंकि जो मोबाइल कंप्यूटिंग का डिज़ाइन है वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन से डिफरेंट होता है, वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन से डिफरेंट होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है एंड वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है डेट इज सब्सेप्टेबल टू फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन। वायरलेस कम्युनिकेशन विच इज फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन। ओके, पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन हो सकता है। सेकेंड है बैंडविथ वेरिएशन। अब आपको एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं होगा कि आपको फिक्स्ड बैंडविथ मिल रही है, हो सकता है कि कभी आपको 1 Mbps की बैंडविथ पे स्पीड मिले एंड देर आर प्लेसेस जहाँ पे कि नेटवर्क का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपके जो नेटवर्क के टावर्स हैं हो सकता है बहुत आपके नियर हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 20-25 Mbps तक की स्पीड मिल जाती है। देर इज़ अ ह्यूज वेरिएशन इन द बैंडविथ। ह्यूज वेरिएशन इन बैंडविथ इज देयर। अब चैलेंज क्या है कि इतनी ज़्यादा वेरिएशन में एंड यूज़र को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैलेंज तो यही है कि वेरिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट जो एंड यूज़र है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो अपना नेटवर्क है, जो कंप्यूटिंग की रिसोर्सेज हैं, जो कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस हैं, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि बैंडविड्थ वेरिएशन से उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। देन थर्ड इज़ हिट्रोजीनियस एनवायरनमेंट। अब हिट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं एक सिंपल फिक्स्ड पीसी की बात करता हूँ, अगर एक सिंपल हम फिक्स्ड पीसी की बात करते हैं तो वो एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। अब वो नेटवर्क कोई सा भी हो, मैं यही नहीं कह रहा कि वायर्ड होगा वायरलेस होगा, बट अ सिंगल नेटवर्क इज़ देयर। अब जो आपका मोबाइल डिवाइस है, लेट अस से दिस इज़ योर मोबाइल डिवाइस, हो सकता है कि ये एक लोकेशन पे किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेट अस से नेटवर्क नंबर वन। अब ये नेटवर्क नंबर वन है किसी और टोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड हो सकता है। लेट अस से नेटवर्क वन आपका वायरलेस है एट लोकेशन वन, बट ये मोबाइल मूव किया डिफरेंट लोकेशन पे पहुंचा, जैसे जैसे यूज़र मूव करेगा मोबाइल मूव किया और डिफरेंट लोकेशन के अंदर आया जहाँ पे कि नेटवर्क टू है, और ये हो सकता है कि वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से नेटवर्क बना हो। तो देर इज़ हेट्रोजीनियस नेटवर्क इज़ देयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क है जिससे आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो कनेक्ट होता है। तो अब इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नेटवर्क से कनेक्ट हुआ उसको बैंडविड्थ अच्छी मिली तो काम कर रहा है, बट दूसरा जब नेटवर्क से कनेक्ट हुआ जहाँ पे बैंडविड्थ में थोड़ी सी वेरिएशन आई, थोड़ी बैंडविड्थ कम हुई, तो वहाँ पे उसने ढंग से काम करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज हेट्रोजीनियस नेटवर्क के अंदर, आपका मोबाइल डिवाइस सेम तरीके से काम करना चाहिए। देन सिक्योरिटी रिस्क। अब सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? अब सिक्योरिटी रिस्क देखो इसी से है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ब्रॉडकास्ट होता है नेचर में। अब फिक्स्ड लाइन में क्या होता है कि अगर आपका देखो यहाँ पे एक सिस्टम है, आपका सिस्टम है सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड है फिक्स्ड में, आपने यहाँ पे फायरवॉल लगा दी तो आप अपना पूरा नेटवर्क का जो ट्रैफिक है इनकमिंग आउटगोइंग उसको मॉनिटर कर सकते हो, है ना। बट जब आप वायरलेस या मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हो तो होता है क्या, बेसिकली देर इज़ अ टावर और टावर जो है ब्रॉडकास्ट कर रहा है, एंड व्हेन इट इज़ ब्रॉडकास्टिंग आपका जो मोबाइल है वो बहुत सारे डिफरेंट मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा है,
और बहुत सारे डिफरेंट मोबाइल्स आपके मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो बेसिकली इफ देर इज़ अ अटैकर हेयर ही कैन सेंड दिस पैकेट. और अगर यहाँ पे देखो कोई इंक्रिप्शन या फिर कोई फिल्ट्रेशन नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं हो, तो ये जो मलिशियस पैकेट है दैट कैन बी इजीली ब्रॉडकास्ट टू थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस. दैट कैन बी इजीली ब्रॉडकास्ट टू थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस. अब ये तो हो गई कि अगर कोई अटैकर आपके डिवाइस में कोई मलिशियस कोड डालना चाहता है, या फिर क्या होता है कि अगर ये देखो एक मोबाइल है, लेट अस से एक मोबाइल है यहाँ पे एंड एक मोबाइल है यहाँ पे. अब ये मोबाइल इससे कम्युनिकेशन कर रहा है, ये मोबाइल इससे कम्युनिकेशन कर रहा है. अब कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, वायरलेस पे हो रहा है, कोई फिक्स्ड एक डेडिकेटेड लाइन तो है नहीं. तो इस कम्युनिकेशन को दूसरे कोई मोबाइल या अटैकर भी सुन सकता है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली जो सिग्नल होता है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, कि सिग्नल को इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि कोई अटैकर या कोई स्नूपर उस मैसेज को पढ़ ना सके. देन वी हैव दिस लो बैंडविड्थ. अब लो बैंडविड्थ का भी मतलब देखो यही है कि एक सिंगल बैंडविड्थ आ रही है आपके पास, वट एवर विल बी द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंडविड्थ. कोई एक बैंडविड्थ आ रही है आपके पास, लेट अस से कि आपके पास 100 Mbps की बैंडविड्थ है, लेट अस टेक द हायर नंबर, 100 Mbps की बैंडविड्थ है आपके पास. अगर ये फिक्स्ड लाइन होती, इफ़ दिस इज़ अ फिक्स्ड लाइन, एक ही सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो पूरी की पूरी बैंडविड्थ एक सिंगल सिस्टम को मिल रही है. बट वायरलेस में क्या होता है, इफ़ आई से दैट दिस इज़ एन एक्सेस पॉइंट, इसको एक एक्सेस पॉइंट हमने बना दिया, और इस एक्सेस पॉइंट से आपके 100 डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, या जिसको हम बोलते हैं आपके मोबाइल डिवाइसेस, 100 डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट हो गए. इन रियल सिनेरियो दिस नंबर इज़ इन थाउजेंड्स एंड इवन मोर. तो आपके 100 डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो गए, तो ये जो बैंडविड्थ थी आपकी दैट विल बी शेयर्ड अमंग मैनी यूजर्स. और जब शेयर होगी तो सीधी सी बात है कि एक सिंगल यूज़र को उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलेगी जितना कि फिक्स्ड लाइन के अंदर मिलती है. तो जो बैंडविड्थ होती है वो कंपैरेटिवली फिक्स्ड नेटवर्क से कम होती है. देन रिसोर्स पुअर मोबाइल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है कि मतलब क्या है. मतलब ये है, अगेन मैं आपको एक देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आप एग्ज़ाम में पॉइंट्स तो लिख ही आओगे. आपका ये फिक्स्ड पीसी है, लेट अस से दिस इज़ योर पीसी और योर लैपटॉप. अब इस पीसी या लैपटॉप को आप डायरेक्टली पावर प्लग से कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन रन दिस पीसी और लैपटॉप फॉर एन नंबर ऑफ आवर्स. जितना भी आपको काम करना है आप इसके ऊपर करो, कोई इशू नहीं है. आपका जो वाईफाई का राउटर है वो भी पावर से प्लग है, आप जितनी देर चाहो उतनी देर यूज़ कर सकते हो. बट जब आप मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करते हो, मोबाइल एनवायरनमेंट की बात करते हो, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं. पुअर का मतलब ये नहीं है कि सस्ती हैं, पुअर का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या, आपके मोबाइल की जो बैटरी है डेट इज़ लिमिटेड बैटरी. अगर आप मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या करोगे, आपकी जो मोबाइल की बैटरी है आप जितनी देर वो चलेगी उतनी ही देर काम कर सकते हो, या आपने जो पावर बैंक ले रखा है उतनी देर पावर बैंक की जितनी बैटरी होगी उतनी देर काम करोगे. ऐसा नहीं है कि जितनी देर आप पावर प्लग में ऑन करके रखोगे, कर सकते हो, बट अगर आप घर पे हो मोबाइल आपका स्टेशनरी है, देन दैट इज़ नॉट मोबाइल कंप्यूटिंग. ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होती है मोबाइल एलिमेंट्स की, चाहे आप उसमें पावर की बात करो चाहे आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की भी बात करो. एक मोबाइल डिवाइस का जो हार्डवेयर होगा वो इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं हो सकता या हाई एंड नहीं हो सकता जितना आपका एक पीसी या एक लैपटॉप का होगा. तो जो रिसोर्सेज हैं थोड़ी सी वो लिमिटेड होती हैं. देन वी हैव दिस सम अदर टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग में होते हैं, जैसे कि यही मैंने कहा, जो मोबाइल एलिमेंट्स की मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है. ऐसा नहीं कि आप जैसे अपने हार्ड डिस्क को तो आप इंक्रीज़ कर लेते हो, रैम इंक्रीज़ कर लेते हो, आप जाते हो कि 4 GB है, नहीं सर मेरे को 8 GB चाहिए, 12 GB चाहिए, तो आप लगवा लेते हो. हार्ड डिस्क भी आप 500 GB नहीं, 1 TB चाहिए, SSD चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मोबाइल के अंदर इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है. एंड बैटरी लाइफ भी लिमिटेड है, सो बैटरी लाइफ भी लिमिटेड कह सकते हो, या कम होती है कंपेयर टू अदर फिक्स्ड डिवाइसेस.
तो इन सब टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स की वजह से जो हाई डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी है या ऑप्टिमल वायरलेस कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है. सो वी कैन से दैट लिमिटेड पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी है, बट इन टर्म्स ऑफ हाई एंड कंप्यूटिंग, इन टर्म्स ऑफ हाई एंड कंप्यूटिंग दैट इज लिमिटेड. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. सो मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स की मदद से सारा समझाऊं रादर देन राइटिंग द प्रॉपर डेफिनेशंस. तो अगर आपको एक बार ये एग्जाम्पल समझ में आ गए, आई एम प्रिटी श्योर कि आप इसके ऊपर डेफिनेशंस आप इजीली बना सकते हो. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.